हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है। अब कैल्क में हमको ये सीखना है कि कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप सोचेंगे कि एक्सेल में भी रैंड बिटवीन या रैंड का फॉर्मूला आप लगाते हैं और रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ जहां पर जाकर के आप रैंडमली नंबर जनरेट कराइए, पूरा ये सिलेक्शन में ले लीजिएगा जितना पार्ट आपको चाहिए। अब देखिए यहां पर जाता हूं मैं, ये रो लिखा हुआ है, ये कॉलम लिखा हुआ है, तो अभी चलते हैं रो में। तो ये रो में आ गए और रो में आने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर नीचे आएंगे ना तो ये आपको दिखेगा फील्ड रैंडम नंबर, तो बस इसी पे आ जाइए। और ये हिस्सा सेलेक्टेड है पहले से, आप चाहे तो आप खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना हिस्सा चाहिए उतना ही आप सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आ जाइए। ठीक है, ये लिखा हुआ है मिनिमम, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई हैं, इसका मतलब बाद में समझेंगे, अभी यूनिफॉर्म ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप इंटीजर लेना चाहते हैं तो आप इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन अगर इंटीजर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म रखिए। यहां पर मैं 1 कर देता हूं और यहां पे मैक्सिमम में कर देता हूं, ये मिनिमम 1 है और मैक्सिमम में, ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल में नंबर जनरेट होंगे, यहां 23 कर दिया तो 1 से लेकर के और 23 के बीच में ये नंबर अप्लाई हो जाएंगे यहां पर। ये देखिए यहां पर, अब आप बताइए इसमें 23 से ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है, और 1 से कम वाले नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये रैंडम है, ये बाहर क्लिक करेंगे ना तो ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया, फिर यहां पे चलते हैं वापस। ठीक है, आप रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर आकर के ये देखिए, ये फील्ड रैंडम नंबर पे फिर आए, फिर वही एरिया सेलेक्टेड है, देखिए ये वही एरिया है जो हमने सेलेक्ट किया था। मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है, तो मिनिमम में फिर वापस से वही कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 50 कर देता हूँ, जो 50 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, मैंने यूनिफॉर्म रखा है यहाँ पर, इस बार मैं यूनिफॉर्म इंटीजर रख लेता हूँ। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इंटीजर कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि केवल इंटीजर सी आए हैं और ये चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये रैंडम नंबर है तो ये बार बार चेंज हो जाएगा, तो इस पर आप भरोसा मत कीजिएगा, इसको फिक्स आपको करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉलम में। ठीक है, तो पार्ट हमने यही सेलेक्ट किया है, आप चाहे तो और भी ज्यादा ले सकते हैं या इसके अलावा भी कोई दूसरा हिस्सा और चाहते हो तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां आ जाते हैं कॉलम में। ठीक है, कॉलम में आ गए और यहां पर भी दिया हुआ है फील्ड रैंडम नंबर, तो यहां पर आ जाइए और यहां पर भी सेम चीज है। ठीक है, देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 0 से लेकर 1 के बीच में चाहिए तो यहां पर जाइए अप्लाई कर दीजिए, तो 0 से बीच लेकर के 1 के बीच के सारे रैंडम नंबर यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, हटाना है हटा दीजिए, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। तो ये वो तरीका हो सकता है जिसके मदद से आप रैंडम नंबर अतिरिक्त फॉर्मूला लगाने के अतिरिक्त भी जनरेट करा सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।